ओम शांति। आपका मन सदा शुभ सोचे, सकारात्मक सोचे, खुशी से भरपूर हो। आप सदा संपूर्ण स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आपके मस्तक पर परमात्मा की आशीर्वाद का हाथ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक ने मुझे कहा, मेरी फ्रेंड ने मुझे सबके सामने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया, इंसल्ट किया, ऐसे शब्द उच्चारे जो आज तक मैंने जिंदगी में वो अपमान कभी सहन किया ही नहीं था, वो कभी सुना ही नहीं था। और वो शब्द मेरे दिमाग में ऐसे बैठे हैं जो मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ। दिन रात मैं वही सोच कर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे परिवार वालों ने मुझे समझाया, फिर भी मेरे दिमाग से वो नहीं जा रहा है। अब क्या कर रहे हो? कटुता के शब्द, नफरत के शब्द उन्होंने एक बार उच्चारे, आप उसको बार बार मन के अंदर रिपीट कर करके आप अपने आप को दुखी कर रहे हो। मन के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को तैयार कर रहे हो। इसका रिजल्ट, मन डे बाय डे और ज्यादा दुखी होता जाएगा। और जितना आप दुखी रहेंगे, इसका असर आपके मन पर, आपके स्वभाव पर, आपकी हेल्थ पर और रिश्तों पर होगा। जिसका मन दुखी तो तन दुखी, तो जन दुखी। आपके रिश्ते आपके इस दुखी भरे स्वभाव के कारण आपसे दूर चले जाएंगे और आप एक भ्रम में जी रहे हो। जहर का प्याला आप खुद पी रहे हो और सोच रहे हो सामने वाला मर जाएगा। स्टॉप दिस। इस पर एक उपाय है, उस कटुता को, नकारात्मक शब्दों को भूल जाओ। कैसे भूलेंगे? एक बात सोचो, उसने मेरे साथ जो किया, दैट वॉज माई कर्मिक अकाउंट, मेरा पिछला हिसाब किताब था, चुप तो हो गया। सेकंड, उसने जो शब्द उच्चारे, वैसे मैं हूं नहीं, तो व्हाई आई एम टेकिंग इट सीरियसली, छोड़ दो। तीसरा, अगर मैं अपने जीवन में स्तुति, प्रशंसा, मान, अप्रिसिएशन, इनको मैं बहुत आसानी से हंसते हंसते स्वीकार करती हूँ, तो क्या इस कटुता को, इंसल्ट को स्वीकार नहीं कर सकती? फोर्थ, और वो बहुत इम्पोर्टेंट, एक्चुअल में उस व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा लेसन सिखाया है। कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये उसने प्रैक्टिकल में करके आपको सिखाया है। तो उस व्यक्ति का आभार मानो, थैंक यू कहो। कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इस तरफ उसने आपका ध्यान खिंचवाया। तो आज से भूल जाओ तो मन शांत रहेगा, शांत मन खुशी को लाएगा। ओम शांति।